reason I started SpaceX was to get humanity to Mars. We want to try to make the dream of space accessible to anyone. And ultimately, making science fiction not fiction forever. ह्यूमैनिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशन में दो ऐसी कंपनीज कोलैबोरेट कर चुकी हैं जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था, SpaceX एंड Apple। बट वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंड पॉपुलर स्पेस कंपनी SpaceX के लिए ऐसा क्या था जिसने ऐसे अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप को पॉसिबल कर दिखाया? वेल, इसका आंसर हम सभी के सामने ऑलरेडी अवेलेबल है, एप्पल की प्रोडक्ट्स। रिसेंटली हुए SpaceX के मिशन में SpaceX ने 4 सिविलियन क्रू मेंबर्स को ऑर्बिट में 3 दिनों के मिशन पर भेजा, जिसे इंस्पिरेशन 4 कहा गया। इस तरह के मिशन में एप्पल का हार्डवेयर SpaceX के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज एप्पल के गैजेट्स की हेल्प से SpaceX मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स की रिसर्च को स्टडी करेगा। इस तरह के स्पेस मिशन में एप्पल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को SpaceX ने कंफर्म करते हुए ये अनाउंस किया कि SpaceX इंस्पिरेशन 4 में एप्पल वॉच सीरीज 6, iPhone 12 Pro एंड iPad mini 4 का इस्तेमाल करेगी, जो SpaceX को अपने क्रू मेंबर्स की हेल्थ को मॉनिटर करने में इस्तेमाल करेगा। इस तरह की हेल्थ फोकस रिसर्च आज से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं की थी। एंड SpaceX का बिलीव करना है कि इस तरह के टेक प्रोडक्ट्स एंड स्पेस मिशन की कोलैबोरेशन फ्यूचर में सिमिलर स्पेस मिशंस को एनकरेज करेंगे, ताकि स्पेस एजेंसीज मिशन में इन्वॉल्व ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले स्पेस के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर सकें, जिसके लिए स्पेस मिशन के क्रू मेंबर्स को केयरफुली सिलेक्टेड ह्यूमन हेल्थ रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए असाइन किए जाते हैं, जिसके डेटा को साइंटिस्ट स्टडी करके अर्थ पर मौजूद लोगों की एंड फ्यूचर मिशन में इन्वॉल्व क्रू मेंबर्स की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अभी इंस्पिरेशन 4 मिशन में किया गया, जिसके लिए ह्यूमन हेल्थ के एक्सपर्ट्स इंस्पिरेशन 4 के सभी क्रू मेंबर्स का बायोमेडिकल डेटा एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स को लॉन्च से पहले, ड्यूरिंग द मिशन एंड मिशन के बाद कलेक्ट करेंगे। बट एक्सपर्ट्स इस तरह का डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे? ऑफकोर्स एप्पल प्रोडक्ट्स की मदद से। एंड सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर एंड सेंटर ऑफ स्पेस मेडिसिन के इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग इंस्पिरेशन 4 ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हेल्थ गैजेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंड ऐसे गैजेट्स की रिक्वायरमेंट को एप्पल प्रोडक्ट अच्छी तरह से फुलफिल कर सकता है। एंड SpaceX का कहना है कि ड्यूरिंग द मिशन एप्पल वॉच क्रू मेंबर्स के रिसर्च ग्रेड ECG एक्टिविटी, मूवमेंट, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की रीडिंग्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। बट SpaceX ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए नॉट ओनली एप्पल वॉच बट अपने स्पेसक्राफ्ट को भी यूज करेगा, जिसके बाद टर्न आती है क्रू मेंबर्स के कॉग्निटिव इवोल्यूशन का, जिसे एक तरह से किसी ह्यूमन के ब्रेन को स्टडी करने को कहा जा सकता है, जिसमें SpaceX नासा के रिसर्च स्टडीज के लिए फंडेड एक सॉफ्टवेयर की मदद से iPad mini पर करेगी। वेल, ये तो था एप्पल वॉच एंड iPad mini का पर्पस, कि कैसे SpaceX अपने मिशन में इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। बट किसी स्पेस मिशन में एक iPhone कैसे यूज किया जाएगा? वेल, SpaceX iPhone 12 Pro को बटरफ्लाई IQ+ डिवाइस से कनेक्ट करके इस्तेमाल करेगी, जो एक तरह का अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है, जिसे SpaceX अपने मिशन के क्रू मेंबर्स के इंटरनल ऑर्गेन्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इस तरह के अल्ट्रासाउंड स्टडी से स्पेस एजेंसी, स्पेशली SpaceX, ये देखना चाहती है कि क्या बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के इंस्पिरेशन 4 के क्रू मेंबर्स इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेंस वाले डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, जिसके डेटा को iPhone पर अवेलेबल ऐप की मदद से क्रू मेंबर्स बिना किसी प्रोफेशनल नॉलेज के अपने iPhones पर एक्सेस करने के साथ एग्जामिन करेंगे। इस तरह के वेरियस टेस्ट के साथ क्रू मेंबर्स को वर्टिकल फ्लो इम्यूनोएसे या फिर VFI के मदद से अपना ब्लड एग्जामिन करना होगा, साथ ही बैलेंस एंड परसेप्शन इवेल्यूएशन एंड बायोमेडिकल सैंपल्स कलेक्शन भी करने होंगे। बट अभी तक जैसा हमने डिस्कस किया, इंस्पिरेशन 4 जस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स को स्पेस में टेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन 4 और ऐसे टेक गैजेट्स की कोलैबोरेशन बड़ी पिक्चर का जस्ट एक ट्रेलर है, बिकॉज इस तरह की चीज़ें ही आने वाले फ्यूचर में SpaceX के मार्स प्लैनेट के मिशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए इंस्पिरेशन 4 जैसे मिशन में कलेक्ट किया गया डेटा हमारी इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट यदि सच में इस तरह का डेटा इतना इम्पॉर्टेंट है, तो आज SpaceX ने इस तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए एप्पल के डिवाइसेस को इस्तेमाल क्यों किया? एंड क्या इस तरह के डिवाइसेस का डेटा रियली में इम्पॉर्टेंट होता है?
फर्स्ट, न्यूरोकॉग्निटिव परफॉर्मेंस। स्पेस में जाना हम सभी के लिए काफी एक्साइटिंग होता है, बट स्पेस में जाने वाले के लिए नहीं, बिकॉज इस तरह का एक्सपीरियंस ह्यूमन बॉडी एंड माइंड के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। एंड इस तरह का इंक्रीज होता स्ट्रेस क्रू मेंबर्स के बिहेवियर और उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। एंड इस तरह की चीजों का टेस्ट मिशन से पहले किया जाना तो इजी होता है, बट ड्यूरिंग द मिशन नहीं। इसलिए इस तरह के स्ट्रेस एंड अदर चीजों को मॉनिटर करने के लिए SpaceX ने किसी एडवांस गैजेट्स को बनाने की जगह किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए अवेलेबल डिवाइस जैसे कि एप्पल वॉच को अपने क्रू मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करना प्रिफर किया। एंड कमर्शियल स्पेस ट्रैवल का पॉपुलर होने की वजह से इस तरह का डेटा आज की डेट में एक्सपर्ट्स के लिए एंड स्पेस एजेंसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पेस फ्लाइट्स के दौरान बॉडी में मौजूद लिक्विड अर्थ की कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट तरह से मूव करते हैं। एंड स्पेस में होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस तरह के फ्लूइड का मूवमेंट वेरियस मेडिकल कंडीशंस होने के चांसेस भी बढ़ा देता है। एंड इस तरह के चांसेस को या फिर मेडिकल कंडीशंस को ट्रेस करने के लिए मेडिकल इमेजिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन में नासा मेडिकल इमेजिंग मेथड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को ट्रेस करने के लिए यूज़ करता है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऐसा करने के लिए इंस्पिरेशन 4 का क्रू आईफोन 12 में बटरफ्लाई IQ प्लस अल्ट्रासाउंड डिवाइस का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी पार्ट्स जैसे कि नेक, आइस, बॉल ग्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद फ्लूइड के डिफरेंट स्ट्रक्चर और मूवमेंट को ट्रेस करेंगे। साथ ही इस तरह की स्टडी से SpaceX ये भी देखना चाहती है कि ऐसे गैजेट्स के मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ क्रू मेंबर्स कैसे IQ प्लस के यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड AI टेक्नोलॉजी की गाइडेंस की हेल्प से हाई क्वालिटी अल्ट्रासाउंड इमेजेस का डेटा कलेक्ट करने के साथ एग्जामिन करेंगे। बिकॉज नॉर्मली अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं होता। एंड बेस्ट हाई क्वालिटी डेटा के लिए ऑलवेज टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। इसलिए यदि इंस्पिरेशन 4 का ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और IQ प्लस अपना काम अच्छे से करता है, तो आने वाले टाइम में डीप स्पेस मिशन में इस तरह के गैजेट्स मेडिकल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। बस एस्ट्रोनॉट्स मिशन की शुरुआत में अपने साथ अपना आईफोन लाना ना भूलें। SpaceX के इंस्पिरेशन 4 मिशन का मेन गोल सेंट जूड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मौजूद यंग बच्चों के लिए पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना था एंड साथ ही फंड्स कलेक्ट करना भी, ताकि सेंट जूड में मौजूद बच्चों की मदद की जा सके। एंड साथ ही इंस्पिरेशन 4 के क्रू मेंबर्स किसी भी तरह से एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, बिकॉज इंस्पिरेशन 4 में इन्वॉल्व क्रू मेंबर्स जस्ट नॉर्मल सिविलियंस थे जिन्होंने स्पेस ट्रैवल के लिए अदर्स को इंस्पायर करने के लिए SpaceX के इंस्पिरेशन 4 में पार्ट लिया एंड लो अर्थ ऑर्बिट से स्पेस को 3 दिनों तक इंजॉय किया। इवन मिशन में इन्वॉल्व क्रू मेंबर्स की कंप्लीट जर्नी को सून नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड काउंटडाउन में शो किया जाएगा, जिसमें इन सभी क्रू मेंबर्स की पहली स्पेस जर्नी की प्रिपरेशन से लेकर वापस अर्थ पर आने के एक्सपीरियंस को दिखाया गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या फ्यूचर में एप्पल नॉट जस्ट ऑन अर्थ बट स्पेस ट्रैवल के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? ऑल्सो आपको क्या लगता है SpaceX मार्स कोलोनाइजेशन के लिए लोगों को कब मार्स प्लैनेट पर भेजना शुरू करेगा? शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। SpaceX एंड इलॉन से रिलेटेड अदर टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियोस का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।